Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अल्बर्टा में भी कोरोना वायरस से पहली हलाकत हो गई। हलाक होने वाले शख्स का ताल्लुक एडमोंटन से था। महकमे सेहत के हुकाम की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मॉन्ट्रियल में कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी का तलबा को यूनिवर्सिटी खाली करने का हुक्म। रिहाइश पजीर तलबा को 4 दिन का वक्त दे दिया। कोरोना वायरस, एयर कैनेडा का 5,000 फ्लाइट अटेंडेंट को मौतल करने का फैसला। एयरलाइन की जानिब से मार्च के आखिर तक बेशतर बैन अलाक्वामी परवाजें बंद करने का ऐलान किया गया है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के सबब एक और शख्स जान की बाजी हार गया। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 258 हो गई। महकमे मौसमियात की जानिब से टोरंटो में मौसम अब्र आलूद रहने की पेशगोई। शाम के वक्त हल्की बारिश और रात के औकात में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। अमेरिका में कोरोना वायरस के तनाजुर में ट्रंप इंतजामिया की कारकर्दगी पर कई सवालात उठ गए। डेमोक्रेट पार्टी के कानून साज गिरोह ने अमेरिकी हुकूमत की कारकर्दगी को नाकस करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मलेरिया की 2 दवाएं कोरोना वायरस के मरीजों पर आजमाने की मंजूरी दे दी है। अफगान फौज की एक चेक पोस्ट पर जंजुओं के हमले में 25 अहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हमलावर कामयाब कार्रवाई के बाद अफगान फौज का हथियार और दीगर जंगी साजो सामान अपने हमरा ले गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 10,000 से तजावुज कर गई हैं, जबकि 2,25,000 के करीब अफराद मोहलिक वायरस से मुतासिर हुए हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात, बर्नी सैंडर्स मुहिम जारी रखने के लिए पुरअज़म। माजी के बरक्स इस बार इब्तदा में सैंडर्स की मुहिम हौसला अफजा थी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अल्बर्टा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, अल्बर्टा में कोरोना वायरस के केसेस में एक ही दिन में 27 अफराद का इजाफा हुआ है, जिसके बाद सूबे में मुतासरीन की तादाद 146 तक पहुंच गई है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अल्बर्टा में कोरोना वायरस से पहली हलाकत हो गई। सूबे की चीफ मेडिकल ऑफिसर की जानिब से बताया गया है कि हलाक होने वाले शख्स का ताल्लुक एडमोंटन से था। चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना था कि ये खतरनाक है, इससे लोगों की बेचैनी में इजाफा होगा, लेकिन हम इससे लड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अल्बर्टा में कोरोना वायरस के केसेस में एक ही दिन में 27 अफराद का इजाफा हुआ है, जिसके बाद सूबे में मुतासरीन की तादाद 146 तक पहुँच गई है। 5 मार्च को सूबे में वायरस का पहला केस सामने आया था। सूबे में अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। कबल अज़ीं प्रीमियर जैसन कैनी की जानिब से इस बात का खदशा जाहिर किया गया था कि अप्रैल के वस्त में वायरस का फैलाव बढ़ जाएगा। हमें मार्च के आखिर तक अहम इकदाम करना होंगे। एयर कैनेडा की जानिब से अप्रैल तक अमेरिका के 13 हवाई अड्डों और कैनेडियन शहरियों को वापस लाने के लिए दुनिया के 6 हवाई अड्डों पर ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। डोमेस्टिक सफर भी 62 हवाई अड्डों से कम करके 40 तक कर दिया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एयर कैनेडा की फ्लाइट अटेंडेंट की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन का कहना है कि एयरलाइन की जानिब से कोरोना वायरस के सबब ट्रैवल नेटवर्क को महदूद करने के नतीजे में 5,000 से ज्यादा मेंबरान को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। यूनियन की वेबसाइट पर जारी करदा एक बयान के मुताबिक इन छुट्टियों का इतलाक आइंदा 48 घंटों में होगा। यूनियन के आला अहदेदारों की जानिब से एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह हकीकत है, हम अपनी यूनियन की नुमाइंदगी के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। इससे कबल एयर कैनेडा की जानिब से ऐलान
किया गया था कि कंपनी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मार्च के आखिर तक बेशतर बैन अलाकवामी परवाजें मौतल कर रही है। कनाडा का ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब एक रोज कबल अमरीका और कैनेडा ने अपनी जमीनी सरहदें जुजवी तौर पर बंद कर दी थी। एयरलाइन की जानब से अप्रैल तक अमरीका के 13 हवाई अड्डों और कैनेडियन शहरियों को वापस लाने के लिए दुनिया के 6 हवाई अड्डों पर ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। डोमेस्टिक सफर भी 62 हवाई अड्डों से कम करके 40 तक कर दिया जाएगा। कनाडा से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, कनाडा भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 873 हो गई है, जबकि मोहलिक वायरस से अब तक 12 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के सबब एक और शख्स जान की बाजी हार गया। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 258 हो गई है, जिनमें से 251 घर या अस्पताल में आइसोलेशन में रह रहे हैं, जबकि 5 सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज सूबे में वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए। कनाडा भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 873 हो गई है, जबकि मोहलिक वायरस से अब तक 12 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में सेहतियाब होने वालों की तादाद 11 है। मुल्क भर में सबसे ज्यादा केसेस कोलंबिया में रिपोर्ट हुए, जहां तादाद 271 बताई गई है, जबकि सूबे में एक और मरीज जान की बाजी हार गया। क्वेबेक में मरीजों की तादाद 121, अल्बर्टा में 146 तक पहुंच गई है। कुछ बात कर लेते हैं एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्ज हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात की जानिब से टोरंटो में मौसम अब्र आलूद रहने की पेशगोई की गई है, जबकि शाम के रोज हल्की बारिश और रात के औकात में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्ज हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज सूरज निकला रहेगा, कम से कम दर्ज हरारत 1, जबकि ज्यादा से ज्यादा -10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इतवार के रोज कम से कम दर्ज हरारत -1, जबकि ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि रात के औकात में हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। कुछ बात करेंगे कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी की जानिब से। कहा गया है कि तलबा को रिहाइश और खाने की रकम वापस की जाएगी, जबकि घरों को वापस जाने वाले तलबा की वापसी के लिए भी मदद की जाएगी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी में रिहाइश पजीर तलबा को दूसरी जगह रिहाइश का बंदोबस्त करने के लिए 4 दिन का वक्त दिया गया है। यूनिवर्सिटी की जानिब से ये इकदाम कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए किया गया है। हालिया हेल्थ एमरजेंसी की रोशनी में ये इकदाम उन तलबा के लिए किया गया है, जिनके लिए यूनिवर्सिटी में रहते हुए फासला रखने वाले इकदाम पर अमल करना मुश्किल है। इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि तलबा को रिहाइश और खाने की रकम वापस की जाएगी, जबकि घरों को वापस जाने वाले तलबा की वापसी के लिए भी मदद की जाएगी। इस इकदाम के सबब बैरून मुल्क से आने वाले तलबा की परेशानी में इजाफा हो गया है। कॉनकॉर्डिया स्टूडेंट यूनियन की जानिब से इंतजामिया से इस इकदाम पर नज़रसानी का मुतालबा किया गया है। कानून दानों का कहना है कि जो अमरीकी शहरी दीगर मुल्कों में फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए सिफारत और कौंसल खानों की जानिब से कोई खातिरख्वाह हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका में कोरोना वायरस के तनाजुर में ट्रंप इंतजामे की कारकर्दगी पर कई सवालात उठ गए। गैर मुल्की खबर साइंसदार की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट पार्टी के कानून साज गिरोह ने अमरीकी हुकूमत की कारकर्दगी को नाकस करार दे दिया। हजारों अमरीकी बाशिंदे दीगर ममालिक में फंसे हुए हैं। कानून दानों का कहना है कि जो अमरीकी शहरी दीगर मुल्कों में फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए सिफारत और कौंसल खानों की जानब से कोई खातर ख्वाह हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही। अमरीकी डेमोक्रेट कानून साजों ने अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो को खसूसी खत लिखा, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस से मुतासर ममालिक में फंसे शहरियों के खदशात से आगाह किया। उन्होंने अमरीकी इंतजामिया से मुतालबा किया कि अमरीकी शहरी शदीद परेशान है और वो मुल्क वापसी के लिए मदद की अपील कर रहे हैं, ताहम सफरी पाबंदियों के बायस वो मुल्क आने से कासिर हैं। अमरीकी शहरियों की वतन वापसी के लिए ट्रंप इंतजामिया खसूसी परवाजें चलाए। न्यूज़ ब्रीफिंग में ट्रंप का कहना था कि मलेरिया और गठिया के मरीजों को दी जाने वाली दवाओं को FDA ने कोरोना के मरीजों पर भी आजमाने की मंजूरी दे दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मलेरिया की 2 दवाएं कोरोना वायरस के मरीजों पर आजमाने की मंजूरी दे दी है। न्यूज ब्रीफिंग में ट्रंप का कहना था कि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामी दवाएं मलेरिया और गठिया के मरीजों को दी जाती हैं। FDA ने इन दवाओं को कोरोना के मरीजों पर भी आजमाने की मंजूरी दे दी है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि व्हाइट हाउस ने कोरोना वायरस के इलाज और वैक्सीन की तैयारी के लिए सुर्ख फीते की रुकावटें खत्म कर दी है। प्रेस ब्रीफिंग में FDA के डॉक्टर स्टीफन हॉर्न ने बताया कि दोनों दवाएं क्लिनिकल ट्रायल में इस्तेमाल की जाएंगी और ट्रायल के बाद सामने आने वाले नतीजे की बुनियाद पर तय किया जाएगा कि कोरोना के मरीजों के लिए ये दवाएं कितनी फायदेमंद हैं।
कुछ बात कर लेते हैं अफगान फौज की एक चेक पोस्ट पर जंगजुओं के हमले में 25 अहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे ज़ाबुल में वाके फौजी चेक पोस्ट पर तालिबान जंगजुओं ने हमला कर दिया। हमला आवरों की मदद अफगान पुलिस में मौजूद जंगजुओं के हमदर्द 6 अहलकारों ने की। एक हफ्ते में इस तर्ज की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। जंगजुओं के हमले में 25 अफगान फौजी और पुलिस अहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए और चेक पोस्ट तबाह हो गई। तालिबान की जानिब से इस हमले की तर्दीद या तस्दीक नहीं की गई है। ताहम कुछ अरसे से तालिबान ने इसी तरीके से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया है। हमलावर कामयाब कार्रवाई के बाद अफगान फौज का असलहा और दीगर जंगी साजो सामान भी अपने हमराह ले गए, जबकि जंगजुओं के मददगार 4 अफगान पुलिस अहलकार भी हमला आवरों के हमराह चले गए, जबकि 2 मारे गए। अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान अमन मुहादे के बावजूद ताहाल अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सका है, जबकि इंट्रा अफगान मुजाकरात हाल तातुल का शिकार है। अफगान सदर ने तालिबान कैदियों की रिहाई को तूल दे दिया है और तालिबान भी अफगान सिक्योरिटी अहलकारों को निशाना बना रहे हैं। इटली में गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 900 के करीब अफराद की हलाकत के बाद वहां अमवात की तादाद 3,405 हो गई है, जबकि चीन में 3 अमवात रिकॉर्ड की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 10,000 से तजावुज़ कर गई हैं, जबकि 2,25,000 के करीब अफराद मोहलिक वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि खुशाइन बात यह है कि 88,563 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इटली में गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 900 के करीब अफराद की हलाकत के बाद वहां अमवात की तादाद 3,405 हो गई है, जबकि चीन में 3 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जिसके बाद वहाँ हलाकतों की तादाद 3,248 हो गई है। अमरीका में भी मजीद 10 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हो गए, जिसके बाद वहां अमवात की तादाद 217 हो गई है। इसके अलावा जनूबी कोरिया में 9 और पेरू में 2 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ईरान और स्पेन में मुतासिर अफराद की तादाद 18,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि जर्मनी में 16,000 से ज्यादा और अमरीका में 14,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से सदारती नामजदगी के उम्मीदवार सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि वो फिलहाल अपनी सदारती मुहिम खत्म नहीं कर रहे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से सदारती नामजदगी के उम्मीदवार सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि वो फिलहाल अपनी सदारती मुहिम खत्म नहीं कर रहे। वाज़ेह रहे कि आइंदा 3 हफ्तों तक किसी अमरीकी रियासत में प्राइमरी इंतखाबात नहीं हो रहे। इस हवाले से बर्नी सैंडर्स का कहना है कि वो इस अरसे में अपनी मुहिम का जायजा लेंगे और अपने हामियों से बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैंडर्स के एक माउन ने तस्दीक की है कि उनकी मुहिम रोक दी गई है। इंटरनेट पर इश्तहारात बंद हो चुके हैं और TV इश्तहारात भी बुक नहीं कराए जा रहे। साथ ही अपने हामियों से चंदा मांगने की अपीलें भी नहीं की जा रही। वाज़ेह रहे कि रियासत वर्मोंट के सेनेटर सैंडर्स ने 2016 में भी डेमोक्रेट पार्टी की नामजदगी हासिल करने के लिए मुहिम चलाई थी, ताहम वो हिलरी क्लिंटन से शिकस्त खा गए थे। माजी के बरक्स इस बार इब्तदा में सैंडर्स की मुहिम हौसला अफजा थी, मगर जैसे जैसे दूसरे उम्मीदवार दस्तबरदार होते गए उनके हिमायती साबिक नायब सदर जो बाइडन की तरफ मुतवज्जा होने लगे, जिसके नतीजे में एक ही दिन में 14 रियासतों के इंतखाबात में जो बाइडन को बढ़तरी हासिल हुई, जिसमें मजीद इजाफे की तवक्को की जा रही है। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।